जोर धरला एनएसी दाबी। 1992 मसीहारु भगराई अंचल रे देहुर्दा देउला और जलेश्वरपुर अंचल को एनएसी घोषणा नहीं दाबी होई आसुथवा बेले भगराई विधायक अनंत दास मध्य बहुबार दाबी करिछंती। एने दाबी कले स्थानीय ग्रामवासी माने एही दाबी रे सभापतित्व करथिले अमलेंदु शेखर दास संचारक तापस चंद्र। सरकार विभिन्न जगार एनएसी घोषणा करथिबा बेले भगराई अंचल को एनएसी घोषणा करिवे बोली अंचलवासी आशा करथिले हेले निराश होइछंती। तेबे एहाकु नै भगराईवासी पक्षरु थाना छक एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होइछि। तेबे अति शीघ्र भगराई अंचल रे देहुर्दा जलेश्वरपुर देउला को एनएसी घोषणा न करा गले भोगराईवासी आंदोलनात्मक पंथा ग्रहण करिवे बोली सांबादिक सम्मेलन रे चेतावनी देइछंती। मूल कथा हूँ भोगरे एक बृहत्तम ब्लॉक ओडिशार एवं आप निघंच जनसंख्या एटी अछि ता सत्ते एवं एटी आप जो भली भाव में डेवलपमेंट होती साधारणतः आपणकर छोट छोट सहर जो गुड़िक अच्छी जो गुड़िक एनएससी अच्छी ताठू बहुत व्यापक किंतु तापर मध्य सरकार निद भांगी ना सरकार आज पर्यंत या एनएससी डिक्लेयर कले ना तथापि आम आशा रखुत निर्वाचन पूर्व निश्चित भाव या डिक्लेयर करेंगे किंतु जो नुआक जो गुड़िक आप डिस्टर्ड है डिक्लेयर है से आपदा ना ना सुशील महापात्र देवला हरदासपुर घर एठिकार मु लोकसंपर्क भितर रही आजिकार सांबादिक सम्मेलन आम करा विज्ञापित अंचल करने लोकंर बहुत पूर्वर थिला जे ये गोटे एनएससी एरिया हो बोली तेणु सरकार जाणी मध्य या बहुत पछकू पकईदे भाया व्यवस्था करपस कुमार चंद्र मुझे होता मो घर आज यही सांबादिक सम्मेलन मध्यम मु प्रशासन को तथा माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध करी जे आम बहुत दुखित आम सब क्राइटेरिया रही मत देहुर्दा पंचायत और जलसपुर देउला को नहीं गठन होता है दीर्घ दिन आशा एनएससी विज्ञापित परिषद डिक्लेयर है ना बहुत दुखित आम से दृष्टि आज आम एकत्रित एनएससी डिक्लेयर पर मान्यता पाइबापी भोगराई रु देवाशीष चक्रवर्ती रिपोर्ट ए1 ओडिशा।